गर्मी से अब बहुत जल्द राहत मिलेगी। मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। 8 से 10 दिन बाद झारखंड में भी मॉनसून प्रवेश कर जाएगा। मॉनसून के आने से गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि झारखंड में 18 जून को मॉनसून दस्तक देगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है, राज्य में मॉनसून के प्रवेश करने से पहले तक अभी गर्मी परेशान करेगी। 11 जून के बाद थोड़ी राहत मिलेगी। दोपहर के बाद कई जगहों पर बादल नजर आएंगे। केरल में मॉनसून 26 मई से 1 जून तक प्रवेश करता है, लेकिन इस बार केरल तट पहुंचने में मॉनसून को देरी हुई है। इसका असर पूरे देश में पड़ा है। झारखंड में मॉनसून 3 दिनों के बाद दस्तक दे रहा है। सामान्य तौर पर झारखंड में 10 से 15 जून तक मॉनसून के प्रवेश करने का समय होता है। 8 जून 2023 को दक्षिण पश्चिम मॉनसून का केरल में आगमन हो गया है। आमतौर पर जो नॉर्मल डेट है मानसून का केरल में आगमन का, वो 1 जून है, और इस बार ये जो मानसून है 8 जून को केरल में इसका आगमन हो गया है। और बात करते हैं कि झारखंड में पिछले 24 घंटों में कुछ कुछ जगहों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है, और राज्य में कुछ स्थानों पे उष्ण लहर जैसी स्थिति भी बनी है। और सबसे अधिक जो तापमान है वो 43.4 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। मुख्य शहरों के जो तापमान है पिछले 24 घंटे के, रांची में 39.8 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 41.3 डिग्री सेल्सियस। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।